इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहजाद अकबर का कहना था, सिर्फ पंजाब में 2 बरस के दौरान 210 अरब रुपए से ज्याद की रिकवरी हुई। खोखर बरादरान पर 3 FIR हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा किया जिसकी मालियत 1.5 अरब रुपए बनती है। अपोजिशन का रोना धोना अपने बचाव के लिए है। खोखर बरादरान जो है पिंडी के, इन्होंने इनके ऊपर इस वक्त कोई 3 FIR हैं जो सिर्फ कब्जे की मद में है। सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया था जो साबित हो गया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साबित करने के बाद उसका कब्जा लिया, रिट्रीव किया, वो 1.5 अरब मालियत की है जो उनसे रिट्रीव की गई है, जिसके ऊपर मरियम को बड़ी शदीद तकलीफ हुई थी क्योंकि अगलों ने एडवांस में सोने के ताज पहनाए हुए हैं और आज उनको पैटर्नेज खत्म हो गई है। इसी तरह से शहजाद अकबर ने 36 रहनुमाओं के नामों पर मुश्तमिल शीड ऑफ करप्शन के नाम से दस्तावेज जारी की और कहा, नवाज शरीफ ने छांगा मांगा और पैसे की सियासत को फरोग दिया। उनकी साहबजादी माफिया के घर पर खड़ी होकर रियासत को ललकार रही थी। उनकी साहबजादी एक ऐसे ही सियासी सरपरस्ती में पले हुए माफिया के घर पे खड़े होके हकूमती कारिंदों को ललकार रही थी, रेट ऑफ स्टेट को ललकार रही थी और साबित कर रही थी कि हम इसी लूट और खसूट की सियासत को जारी रखेंगे और हमारी आगे दूसरी और तीसरी जनरेशन भी यही सियासत करेगी, नज़रियात की सियासत नहीं है। शहजाद अकबर ने कहा कि चौधरी तनवीर से 7 अरब की बेनामी प्रॉपर्टी, दानियाल अजीज के वालिद से 2400 कनाल जमीन वागुजार कराई गई, दीगर अफराद से भी करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार कराई। चौधरी तनवीर साहब हैं, अभी सेनेटर हैं शायद कुछ दिन, और 7 अरब रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी इनसे रिट्रीव कराई गई है। फिर दूसरे अरस्तू हैं दानियाल अजीज साहब, उनके वालिद के नाम के ऊपर 2400 कनाल जमीन चक नंबर 170/172 NB सरगोधा में सरकार की जमीन इनसे बरामद कराई गई है। ये तकरीबन 2.5 अरब रुपए की जमीन है और अभी भी इन्होंने तकरीबन 4.8 करोड़ रुपया। मुशीर एहतसाब ने कहा, सेनेट में पैसे की सियासत होती है, ओपन बैलेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है, कानून साजी भी करेंगे। सियासी जमातें बताएं उनका क्या नजरिया है।